ओह, आज तो भाई बहुत थक गया हूं मैं। आप आ गए हैं? अगर तुम कहती हो तो वापस चला जाता हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको। ओहो जानकी, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो। देखो भाई, मैं अभी पंखा साफ कर देता हूँ। आप पंखे को छोड़िए, आप तो बस आराम से यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी और कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। क्या कह रही हो, चाय पानी? पहले तो कभी इसने ऐसे पूछा नहीं, जरूर कोई मामला गड़बड़ लगता है। हाँ। ये लीजिए पानी। लो। बहुत गर्मी है आज तो। जानती पानी। ओ पानी को छोड़ो, कल हिरण पंचमी है, मैं आपके लिए ना खुशी खुशी हिरण व्रत रखूंगी। हिरण व्रत? हाँ। हिरण पंचमी? ओहो, नाग पंचमी सुना है, बसंत पंचमी सुना है, और भी बहुत सारियां पंचमी सुना है, ये जानकी हिरण पंचमी क्या होती है? ओहो जी, आपको नहीं पता, हिरण पंचमी सीता मैया जी ने कल के ही दिन तो श्री रामचंद्र महाराज से गोल्डन हिरण मांगा था, अगर वो ले आते तो इतना झंझट ही ना पड़ता। मैं ना खुशी खुशी आपके लिए व्रत रखूंगी, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, ना आपको बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी और ना आपको श्रीलंका जाना पड़ेगा। जानकी तुम व्रत मत रखो, तुम भूखी कैसे रहोगी? कोई बात नहीं जी, रह लूंगी, ये व्रत तो मैं आपकी सेहत और तरक्की के लिए रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ना आपको भगवान रामचंद्र जी की तरह जंगलों में भटकना पड़ेगा और आपके पास दफ्तर जाने के लिए पैसे तो होते नहीं, और श्रीलंका कैसे जाओगे? ओहो जानकी, अब पंखा साफ करने से काम नहीं चलेगा। पंखे को छोड़ो, पंखा पंखा लगा रखा है, पंखा तो आप अगले संडे साफ कर लेना। क्या कहा, अगले संडे? अगर ये पंखे को अगले संडे पर पोस्टपोन कर रही है फिर तो ये कोई सीरियस मामला लगता है। पैंट उतारो। क्या कहा जानकी? जल्दी से उतारो, कहां भाग रही हो? जानकी क्या कर रही हो तुम? जानकी पैंट उतारो सारों के सामने, और ये धोती पहन लो ना। धोती? ये लो। धोती पहनकर मैं क्या करूंगा? हिरण पकड़ने जाना। जानकी मैं हिरण कहां से पकड़ूंगा? ओहो जी टेंशन क्यों लेते हो, अगर आपको हिरण ना मिले ना तो आप वही करना जो ये सारे मर्द करते हैं, हिरण नहीं हिरण अर्थात हीरा, बड़ा सा हीरा, मेरे हिसाब का बड़े वाला। जानकी छोटे वाले हीरे से काम नहीं चलेगा। ओहो जी मुझे तो बड़ा हीरा ही चाहिए, हीरे का साइज देख के ना मैं अपना व्रत खोलूंगी, फिर आप खुशी खुशी मुझे ना गोपाल स्वीट ले जाना, वहां पे जाके ना मैं रसगुल्ले, रसमलाई, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, ये सब कुछ खाने के बाद में सोचूंगी और मैंने क्या खाना है। जानकी इतना कुछ खाने के बाद और तुम क्या खाओगी? ओहो जी नजर लगाओगे मुझे? हाँ, खाने से याद आया कि मैंने तो बाजार जाना है, कल सुबह 3 बजे उठ के खाने लगूंगी तभी तो सारा दिन निकलेगा। हाँ 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 ऐसे ही करती हूँ, बाजार जाके ना 2 दर्जन केले, संतरे, मिठाइयाँ, परौंठे परूठे, ये सारा कुछ ले आती हूँ। कहाँ है मेरी लिस्ट? हाँ हाँ याद तो है, लिस्ट क्या करनी है, आप जल्दी से अपना पर्स निकालो, जल्दी करो। ओहो जी गिनने बैठ जाते हैं जब देखो कंजूसों की तरह। हाँ 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 अब ठीक है, आप ऐसे करो जी, ये धोती को पहन के ना आराम से सोचो कि हिरण नहीं नहीं हीरा कैसे लाना है, मैं ना बाजार जाके कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। टुट पैणिया खीर खवा अपनी मां नू, नाले खवाई अपनी भैन नू। आए बदाम मारी है ना फेर भेज दे, मैं भी तेरी भैन वर्गी हो या। ओए होर भेज दे नी, होर तो असि आप ही खावांगे। दूर फिटे मुंह तेरे, रुड़ जाने दे। जानकी जानकी
ओहो जी, ये तूने मुझे कहाँ फंसा के रख दिया? अब मैं धोती पहन के हिरन कहाँ पकड़ूंगा? ओहो, अरे भाई लाइट तो बंद कर दो। गिनती न हो बस नोट चुफेरे, मिया और बीवी की कराऊ में लड़ाई, किसी की लड़ाई बस अपनी कमाई, लड़े जब दो लोग जीजा करे राज, चौकसी महाराज में चौकसी महाराज, चौकसी चौकसी महाराज, चौकसी चौकसी महाराज, चौकसी चौकसी महाराज, चौकसी चौकसी महाराज। ये मैं अब हिरण कैसे पकड़ूंगा? ये मुझे तो तीर कमान भी चलाने नहीं आता। ये क्या? ओहो, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। अब मैं क्या करूं, इसका समाधान कैसे ढूंढूं? हाँ, चौकसी महाराज को फोन लगाता हूं, वही कुछ ना कुछ करेंगे। हेलो चौकसी हिरण, आप चौकसी महाराज बोल रहे हैं? राम 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 राम, नमस्कार नमस्कार, मैं चौकसी महाराज बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? महाराज जी नमस्कार। हाँ, मैं रामलाल कपूर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, जानकी कपूर के पति देव। हाँ, बोलिए, कैसे याद किया? महाराज मैं आपसे इमीडिएटली मिलना चाहता हूँ, बहुत बड़ी। अरे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, हम सुपर्णा के यहाँ थे ऊपर वाले फ्लोर से, अब हम लिफ्ट दबा के नीचे जा रहे हैं और फिर ऊपर आ जाएंगे। बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अच्छा फिर मुझे बैठने दो, मैं थक गया हूँ भाई। बैठो महाराज बैठो। अच्छा तुम भी यहाँ बैठ जाओ। ठीक है। अरे यहाँ नहीं, नीचे। हाँ। बैठो। हाँ ये लो, ये दबाना शुरू करो। महाराज भाई आनंद आ रहा है, कल रात हम 12-1 बजे तक ना डांस पार्टी में बहुत थक गए। क्या कहा, डांस पार्टी? अरे तुम गलत समझाते हो, भगवान के रंग की पार्टी भाई, आनंद ही आनंद था, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। महाराज आप तो महान हैं। अरे इसमें कोई शक है? मुझे ये बताओ तुम्हें क्या मुसीबत है? महाराज हाँ, कल जान के हिर व्रत रख रही है। तो फिर मैं क्या करूं? आपको मालूम है ये क्या होता है? मुझे तो इसका कुछ भी पता नहीं। हिरण व्रत? जी महाराज। देखो बेटा तुम बहुत अच्छे हो, वैसे भी बहुत देख देख के अच्छे लगते हो, सरकारी अफसर। हाँ, ये मैंने इसको यहाँ डाल लो, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो। जी महाराज। ये जो हिरण व्रत होता है ना, ये स्त्री इसलिए रखती हैं कि उनके पति सीधे ट्रैक पे रहे, सीधे ट्रैक पे। हाँ बिल्कुल, और घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, और कहीं ना जाए। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बेटा कि तुम्हें जानकी जैसी स्वरूप नखा मिली। क्या कहा महाराज, स्वरूप नखा? है? हम ये कह गए? नहीं नहीं, देवी मिली, देवी मिली। हाँ, अच्छा ये बताओ और क्या संकट है तुम्हें? है? महाराज हाँ? अब वो कह रही है कि हिरन ना मिले तो हीरा लेके आओ। ओ, ओ, ओ। अब आप ही बताओ, जो पैसे मैंने गोल्फ सेट के लिए इकट्ठे किए हैं, हाँ। अगर वो मैं हीरा ले आया, हाँ। तो फिर मैं गोल्फ सेट कहाँ से खरीदूंगा महाराज? इधर इधर। जी महाराज। नॉटी बॉय। पत्नी को हीरा नहीं देना चाहता, गोल्फ सेट खरीदना चाहता। जी महाराज। और उससे बचना चाहता है। तो तुम्हारे पास तो एक सीधा सोल्यूशन है। क्या? देख तू हीरा वीरा तो ला नहीं सकता, और तू लाएगा भी नहीं। तू ऐसे करना, हीरो की इतनी बड़ी सारी फोटो लाकर जानकी को दे देना, और उसको कहना कि देखो भाई, ना मिला हिरन ना मिला हीरा, इस फोटो से काम चला लो, बाकी मैं देख लूंगा, तू फिक्र मत कर। हाँ हाँ, फोटो से काम चल रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल चल जाएगा। ऐसे कर फिर, इसलिए एक चांदी की थाली, लाल धागा, कुमकुम और 1,000 रुपए का नोट लेकर आ जा। पर महाराज हाँ, चांदी की थाली तो घर में है नहीं। अच्छा नहीं है? नहीं महाराज। कोई और है? पीतल की थाली है? महाराज हाँ, आपको कैसे पता पीतल की थाली? अरे मैं अंतर्यामी हूँ यार, जा तू चल। हाँ लेके आ जाके। क्या यार आदमी है ये, पसीना आ गया, थक गए भाई, बाद में पानी पिला देना। महाराज हाँ, ले आया। अच्छा जी महाराज। 1,000 रुपए का नोट कहाँ है यार? वो तो आपने कहा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, उधार रहा तेरी तरफ। हाँ मैं उधार भी कर लेता हूँ, ये ले कुमकुम और ये ले लाल धागा, और तेरी समस्या का हो गया समाधान। छुट्टा है? हाँ है महाराज। हज कितना? 2 रुपए 5 रुपए। हाँ ला ला। हाँ,
ये लो महाराज। अरे छोड़ यार, मेरे को नहीं देना, भगवान को दे दे, वो खुश हो जाते हैं, मैं तो हजार से कम नहीं होता। जा जा। इनका क्या है, ये तो भगवान है, हम महाराज हैं। इधर आ जा, अब कितना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे, ये पब्लिक है बहुत मारती है। हाँ, मेरी बात सुन, तेरा कल्याण हो गया, सब कुछ हो गया, और तो कोई समस्या नहीं है तुझे महाराज? हाँ। तो अभी आपने बताया नहीं। अरे बता तो दिया यार, तू फोटो लाके उसको जानकी को दे देना, और क्या क्या पूछेगा। नहीं महाराज। हाँ। कल मेरा गोल्फ का वीकेंड है। ओ। और मैंने कल जनरल साहब के साथ गोल्फ खेलने जाना है। कौन से जनरल? आर्मी डिवीजन वाले? हाँ जी। मैंने उनको देख के उनसे डर से ये मूछे बढ़ाई है देख। हाँ। अगर मैं महाराज कल ना गया तो वो गोली मार देंगे। पक्का मार देंगे, ये फौजी भाई हैं, ये बॉर्डर पे भी और यहाँ भी गोली मार देते हैं अगर कोई काम खराब करे। तेरी सलूशन बताता हूँ तुम्हें, मेरी बात सुन। कल रखेगी तेरी घरवाली हिरण व्रत। जी महाराज। रखेगी ना? जी महाराज। तू ऐसा करना, तू वो शनिवार है, तू निकल जाना गोल्फ कोर्स पे, वो सोचेगी मेरा पति तो हिरन ढूंढने गया है, और तू अपने फोन पे रिंगटोन छोड़ देना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, भाई मैं तो ज्यादा ढूंढने गया हूँ अपनी धर्म पत्नी के लिए हिरन। तेरी भी मौज, तेरा कल्याण, 2,000 रुपए और हैं उधार हो गए, 3,100 रुपया हो गया बेटा, तेरे पास है नहीं, हाँ, तेरे खाते अभी खाली हैं। उधार नहीं करता। हाँ। ये लीजिए, आपने बहुत अच्छा बताया। ले भाई, 1,000 फिर भी रह गया बेटे, हैं बाद में ले लूंगा। अरे अच्छा, थक गया। शाम के 4 बज गए, नहीं 5 बज रहे हैं, भूख के मारे तो अब मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा, सारा घर का राशन खा लिया, सारे फल फ्रूट खा लिए, अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ये कहाँ रह गए कपूर साहब, इनसे पंखा तो साफ होता नहीं, गए हैं जंगल में हिरण पकड़ने। हाँ, क्या करूं, हे भगवान मेरे पति की रक्षा करना, कोई उपाय बताओ। उपाय? उपाय तो चौकसी महाराज जी बताएंगे, उन्हीं को फोन कर लेती हूँ। हाँ हेलो, चौकसी महाराज जी बोल रहा हूँ भाई। पन्ना महाराज जी, पन्ना कौन बोल रहा है? महाराज जी मैं जानकी कपूर बोल रही हूँ। अच्छा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम हमें बुलाना चाहती हो क्या? हाँ जी महाराज। क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां नहीं होती। हाँ। और दूर कर देंगे, कल्याण कर देंगे, हम आते हैं भाई, आते हैं। हाँ महाराज, आते हैं, आते हैं। हे भगवान मेरे पति की रक्षा करना, उनको रावण और स्वरूप नखा से बचा लेना, मुझे हीरा वीरा नहीं चाहिए। हाँ, क्या करूं।